गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शौर्य वर्मा ब्लॉग्स। और होप करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। सो गाइस, अभी मैं कनाडा देख लो भी छुट्टी है कनाडा देखो पूरा ही कनाडा वहाँ से लेके वहाँ तक। और कनाडा आके फाइनली तो पासपोर्ट भी चाहिए था, वो भी बनवा लिया था मैंने। और अभी मैं स्टूडियो में ही हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड लगा हुआ फ्लेक्स तो मैं स्टूडियो में हूँ और मस्त लाइटिंग आ रही है। और मैं हमने अभी अपने स्पीकर की मतलब टीवी की कंप्लेन लिखवा दी है, जो उसका रिमोट ख़राब हुआ था, तो वो कल या परसों में हमारे घर पर रिमोट आ जाएगा। तो हाँ, और बाकी मैं स्टूडियो पे हूँ और ये मैं आ जाए बाहर। आप जी सत श्री अकाल जी। तो हाँ, अब चलते हैं बाहर को। और ये क्या हुआ भाई? तो मुझे ना जो मैंने आपको बताया था ऑर्डर करूँ वो अभी मैंने कैंसिल कर दिया, थोड़े टाइम के बाद लूँगा मैं वो। पहले हम स्पीकर उठाएंगे, वो आपको पता चल जाएगा कौन सा है स्पीकर। वो कंपनी नहीं बताऊँगा मैं अभी, बिल्कुल भी कंपनी बताऊँगा ही नहीं। जब हम लेंगे कल परसों में या एक हफ्ते के अंदर अंदर उठा लेंगे हम स्पीकर को, ले लेंगे मतलब। तो चलो नीचे चलते हैं, आप अक्षिना के शूट हो गए, दिखाता हूँ मैं आपको। ऑस्ट्रेलिया वन पाकिस्तान लॉस। हाँ, मौका मौका चल निकल। मैंने एक घंटे पहले लिखा था जल्दी जीती, मैंने कहा था लास्ट ओवर में रन मारेंगे। Thank you.
सो गाइस अभी मैं घर पे आ गया हूँ एंड अभी मैंने खोल रहा हूँ अपना लैपटॉप, मतलब मैंने नहीं, मैं खोल रहा हूँ लैपटॉप, ये रहा लैपटॉप। तो चलो खोलता हूँ और दिखाता हूँ। ऑन कर दिया और ये देखो ऐसा तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी, इतनी जल्दी ऑन हो गया सेटअप पूरा। मस्त लगता है भाई मेरे को लैपटॉप। और मैं एक चीज़ बताती हूँ कि लैपटॉप मेरा डेल का है और मेरा जो बैग है वो लेनोवो का है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पॉकेट्स थी। जो डेल का बैग आ रहा था इस लैपटॉप के साथ में वो थोड़ा सा छोटा था और उसमें पॉकेट्स भी ज़्यादा नहीं थी, तो इस बैग को हमने लिया और इसमें ज़्यादा पॉकेट्स थी इसलिए। तो अब चलाता हूँ मैं और दिखाता हूँ थोड़ी देर में, फिर मिलता हूँ मैं आपको। तो गाइस साथ में के वो कोल्ड ड्रिंक भी आ गई है कोक, ये मेरी और ये खाना। सो गाइस इसमें एक चॉकलेट, एक क्रैकल और ओरियो डिप। बच्चों को बैग से ही खाए हैं ये दोनों, खाए या नहीं खाए मैंने अभी तक। सब अपना अपना उठा लो भाई, मैंने तो ये उठा लिया। चलो अच्छा है। नहीं भी वो अच्छी नहीं है, वो बेकार है क्रैकल। खोलो। सो गाइस इसे खोलता हूँ, कहाँ से खुलेगा? कहाँ से नहीं इसे खुलेगा, रुक जा रुक जा। मैं खोलूँगा, मैं तो खोलूँगा। कितने पैकेट हैं? ए, क्या है भाई, जो भी है हमें क्या करना है, एक पैकेट खाना है हमें तो। 9 पीस है गाइस, एक में 3 है। तो फिर से बंद करता हूँ इसे फटाफट। सो गाइस अभी मैं अंदर वाले कमरे में आ गया हूँ और अब देखते हैं पापा जहाँ बद्रीनाथ गए थे वहाँ की वीडियोस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब हम रुके हैं, गाड़ी में थोड़ी दिक्कत आ गई थी, दूसरी गाड़ी में, तो उसको ज़रा चेक करवा रहे हैं, टायर वायर कोई दिक्कत ना हो जाए आगे जाके, क्योंकि सफ़र थोड़ा लंबा है। और छोटा सा ढाबा है ये नितिन ढाबा, वहाँ रुके थे, वहीं है कुछ टायर वाले, चेक कर रहे हैं, देखते हैं। तो लाइटिंग के पास आना पड़ा है मुझे थोड़ा सा, अपने आप को दिखाने के लिए भी, पहली बार व्लॉग बना रहा हूँ ना ऐसे ही, पहली बार। तो देखते हैं क्या होता है गाड़ी में, आगे जिन्नी आपको दिखाते हैं बहुत जल्दी कि ऑफ रोडिंग कहाँ कहाँ पर है और चार धाम का जो प्रोजेक्ट है वो कितना अच्छा और कितना बेहतर बन चुका है या नहीं बना है वो भी आपको दिखाएंगे। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। गाइस मनीष भाई कर रहे हैं वीडियो बनाने की कोशिश, बादल पे जो पहाड़ों पे जो बादल आ रहे हैं, सॉरी, उनको अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हैं सनी भाई, सनी भाई आ गए सामने, तो कुछ कर नहीं पा रहे, वो कुछ बोल रहे हैं, डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना, देखते हैं फोटो में क्या क्या लेकर आते हैं अपने कैमरे के अंदर कैद करके। ये अखिल, चलो देखते हैं। आपको बताया था अभी हम आए हैं देवप्रयाग, देवप्रयाग में जो संगम है वो मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही और खूबसूरत संगम, बहुत जल्दी ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ।
सब श्रीनगर आ चुके हैं, श्रीनगर के पास कीर्ति नगर वहाँ है। और यहाँ का नज़ारा देखो आप, अलकनंदा नदी, पहले तो तैयार है, मैं आपको आए का नज़ारा दिखाता हूँ। कितना जगह है, सारे के सारे देखिए कितनी जगह है। नाश्ता करने के लिए रुके हैं थोड़ा सा, देखते हैं कैसा बनेगा। और ये अपना है चौहान भोजनालय, और आंटी बना रही हैं, हमने बनवाए हैं आलू के पराठे विद मक्खन, दही वही दही के साथ, बहुत अच्छा। कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बनाएंगे, आपको खिलाएंगे, बनाएंगे नहीं खिलाएंगे, बना के खिलाएंगे, उन्होंने ये बोला है हमसे, तो देखते हैं कैसा बनता है। और जब भी रुको बंदी आपके, शायद खाने के बाद बताऊंगा कैसा है, फिर देखना मज़ा आ जाएगा। ये भी दिखा दो यार। अभी हम श्रीनगर के पास पहुंच चुके हैं, अभी हमने नाश्ता करा है आलू के पराठे विद दही, और अब हम जा रहे हैं बद्रीनाथ की तरफ। आपको सबको पता ही है मेरा फर्स्ट ब्लॉग है ये, मैं अपना नया चैनल बनाऊँ नहीं बनाऊँ कमेंट सेक्शन में बोलना। अभी तो मैं फ़िलहाल शोर वर्मा ब्लॉग्स में ही डालूँगा, अगर आप लोग बोलोगे सपोर्ट करोगे तो आगे कुछ करेंगे, कोशिश करूँगा मैं और नई नई जगह जाने की, आप लोगों को दिखाने की। थोड़ा सा जाम लग रहा है श्रीनगर के अंदर, क्योंकि छोटा सा ही वह है, और बसें वसे और आपकी गाड़ियाँ सब एक दूसरे टच होने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हमारी गाड़ी थोड़ी सी दूर है, बाकी देखते हैं, आपको मैं बता ही दूंगा सारा कुछ। लेकिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मेरे को अपना चरम बनाना है या नहीं बनाना, बनाना होगा तो यस करना, नहीं बनाना हो तो नो करना, फिर आगे से मैं कुछ नहीं करूँगा, ठीक है ना। अच्छा लगेगा अगर आप बोलोगे यस, बाकी आपके ऊपर है, ठीक है ओके। मिलते हैं अभी थोड़ी सी देर में, और नई जगह जाने के बाद कुछ बताता हूँ मैं आपको, चलो ठीक है ओके। है गाइस, तो अब हम थारी देवी मंदिर पे हैं, आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे, थारी देवी मंदिर है, ये वही मंदिर है जो 2013 की आपदा में जो कहा जाता है, वो यही मंदिर है कि माता की मूर्ति के साथ कहीं और रख दिया गया था, इस वजह से केदारनाथ में आपदा आई थी, तो आप सबको पता ही होगा यही वो धारी मंदिर है। तो अभी हम माता मंदिर में हाथ जोड़ते हुए आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे, हम आगे आ देखते हैं, और जहाँ भी जाएंगे हम आपको बताते रहेंगे क्या हुआ कैसे हुआ कहाँ कहाँ रुके क्या नहीं करा हमने, बाकी हम बताते हैं, ठीक है गाइस मिलते हैं आगे।